यूपी के फिरोजाबाद में सपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सपा नेता नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने जा रहे थे। हिरासत में लिए जाने के बाद सपा नेता एसपी की गाड़ी के सामने बैठ गए और योगी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर रहे हैं। पुलिस सपा प्रदेश अध्यक्ष को पकड़कर सिरसागंज गेस्ट हाउस ले गई, जहां से सभी को वापस लखनऊ भेज दिया गया। निर्देश पर हम समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जो फिरोजाबाद में नागरिकता कानून के विरोध में जो लोग थे धरने में दे रहे थे, वो सरकारी गोली से मारे गए हैं, लाठियों से मारे गए हैं। उनके पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए हम वहां जाना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती प्रशासन कर रहा है कि नहीं, हम वहां नहीं जाने देंगे। हमारा ये कहना है कि उन पीड़ित परिवारों का हालचाल लेना हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उन परिवारों से मिलने जाएंगे और हम पीड़ित परिवारों की रिपोर्ट को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर, माननीय प्रोफेसर साहब राम गोपाल जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हम सौंपेंगे। नहीं तो आपको इस तरीके से रोका गया, मिलने दिया जानबूझ करके इस तरीके से? पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी अभी लखनऊ में इस तरीके का हुआ वहाँ पर वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब पीड़ित परिवारों से मिलने, जो मारे गए हैं उन परिवारों से मिलने के लिए, उनका हाल चाल लेने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, प्रोफेसर साहब ने हम सबको भेजा है। हमारे साथ हम लखनऊ से आए हैं, नरेश उत्तम पटेल हैं, ये ब्रजेश कठेरिया जी विधायक जी हैं, जावेद अली जी हैं, दिलीप जी विधायक जी हैं, यहाँ के जिलाध्यक्ष दुर्गपाल जी हैं, सारे लोग यहाँ हम लोग हैं। हम सारे लोग प्रशासन से यही कह रहे हैं कि हम पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, उनकी बात को अपने पार्टी फोरम पर रखना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं आप नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसी बात को लेकर के यहाँ पर बैठ गए हैं। ये आज जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके साथ और दो लोग थे, तीन सदस्यीय टीम जो फिरोजाबाद जा रही थी, उनको बताया गया कि फिरोजाबाद में आपकी विजिट को निषेधित किया गया है, उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है सिरसागंज में और इनको यहीं पे रोका गया है।